किसान, कर्मचारी, व्यापारी व अन्य पेशों में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान नज़र आते हैं। देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारे देश का पर्यावरण भी बिगड़ रहा है, हमारे देश की सीमाएं भी बराबर सुरक्षित नहीं है, लेकिन इनके समाधान की तरफ सरकारों द्वारा कोई भी, ना तो केंद्र हो या राज्य हो, इनके सरकारों द्वारा कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या यही केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है? इसके अलावा सदन खुलने के पहले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर जो ये घोषणा की है कि अब हर साल 26 नवंबर के ही दिन देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा, जबकि इस बारे में इनसे हमारी पार्टी का ये कहना है कि हर साल अकेले संविधान दिवस मनाने से कार्य नहीं चलने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ इनको भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली के अमल पर भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ध्यान देना होगा, जो हमें इस सरकार में अभी तक भी वास्तव में अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी तरफ भी इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी संविधान दिवस मनाने का सही मकसद सार्थक साबित हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने 27 नवंबर को लोकसभा में बोलते हुए जो ये कहा है कि अब संविधान बदला नहीं जा सकता है, अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वह आत्महत्या जैसा ही होगा, कहने के लिए बात तो बहुत अच्छी है, जबकि वास्तव में ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इनके आरएसएस संगठन द्वारा आरक्षण की समीक्षा करने की बात करना ही इस बार इनको बिहार विधानसभा के आम चुनाव में काफ़ी महंगा पड़ गया, जिससे सबक सीखकर अब इनको ये सब मजबूरी में देश के दलितों को अपने विश्वास में लेने के लिए ये कहना पड़ रहा है। इस बात से भी वैसे सभी अवगत हैं, और अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर या भारतीय संविधान की मूल मंशा व गरिमा के अनुरूप ही अपनी सरकार चलाए, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर इनके लिए बहुत बड़ा आदर सम्मान होगा। इसके साथ साथ इस मौके पर मैं बाबा साहब के अनुयायियों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वे बाबा साहब के उस मंत्र का, अर्थात शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो, इसका खासकर कमजोर तबकों के बीच में जाकर जरूर प्रचार व प्रसार करें। इसके साथ ही जुल्म जाति के खिलाफ संघर्ष करने व आवाज़ उठाने के मामले में भी इन्होंने इन लोगों को ये कहा है कि जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला इससे भी कहीं ज़्यादा कसूरवार होता है। वर्तमान हालातों में इसके लिए भी इन लोगों को जरूर प्रेरित करें। इतना ही नहीं, बल्कि बाबा साहब ने इन लोगों को ये भी कहा था कि यदि केंद्र व राज्यों की सरकारें देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, कमजोर तबकों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास व उत्थान के लिए भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं, तो तब फिर ऐसी स्थिति में इन्हें अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बना के व सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर इन्हें ये कार्य फिर खुद अपने आप ही करना होगा। इस खास बात की तरफ भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ अब मैं पुणे केंद्र व राज्यों की सरकारों से भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की अपील करती हूँ, और इस मामले में खासकर वर्तमान केंद्र की सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बाबा साहब की 125वीं जयंती व भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर अपनी बात रख रहे थे, तो उसी दिन उनकी पार्टी के एक सांसद जो इसी सदन के सदस्य भी हैं, तो वे बाहर मीडिया में ये बयान दे रहे थे कि अयोध्या में श्री मोदी के ही शासनकाल में राम मंदिर जरूर बनेगा, जबकि ये मामला अभी तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है। इसलिए इस किस्म के अपने अन्य और लोगों पर भी पार्टी व सरकार को कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगाना होगा, वरना इस किस्म के लोगों से अपने देश के हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। बस खत्म कर रही हूँ। और वैसे भी इस समय पूरी दुनिया में आतंकवाद का कहर छाया हुआ है,
और इसका अपना देश भी समय समय पर शिकार हो रहा है, और इस समय अपने देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पड़ोसी देशों से भी अब एक एक करके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। नेपाल इसका खास एग्जाम्पल है। इसके साथ ही इस समय देश में असहनशीलता, उग्रवाद व अराजकता का भी काफ़ी ज़्यादा माहौल पनप रहा है। इसलिए ऐसे हालातों में केंद्र की सरकार को प्राथमिकता के आधार पर देश व जनता के हितों के साथ साथ उनकी सुरक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि इस समय मंदिर निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ अपना देश व जनता ही पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रहेगी, तो तब फिर ऐसे हालातों में मंदिरों में पूजा करने के लिए कौन जाएगा? ये बात भी सरकार को अपने लोगों को जरूर समझानी चाहिए। इसके अलावा खासकर देश के कमजोर तबकों के हितों में जिन भी बातों की तरफ मैंने केंद्र की सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है, तो उनकी तरफ भी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। और अब अंत में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इन सब मामलों में अर्थात देश व जनहित में और खासकर कमजोर तबकों के हितों में केंद्र की सरकार कोई भी सकारात्मक कदम उठाती है, तो फिर हमारी पार्टी केंद्र की सरकार का जरूर साथ देगी। और इसी क्रम में यहाँ मैं जीएसटी बिल के बारे में भी ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि केंद्र की सरकार का ये कहना है जीएसटी बिल के बारे में कि ये बिल पास हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। हम आपकी बात मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं, और यदि आपको पूरा भरोसा है कि जीएसटी बिल के पास होने से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा, तो आज मैं इस शुभ अवसर पर ये मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको पूरा भरोसा है कि इसके बिल के पास हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और सुधार आएगा, मजबूत होगी, तो मैं इस बिल का हमारी पार्टी समर्थन करती है, ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। और इसके लिए सरकार के लोगों को इसके लिए आप लोगों को एक कप चाय तो छोड़ो, एक गिलास पानी भी पिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष पर इनके द्वारा खासकर अपने देश को हर मामले में एक बेहतरीन संविधान देने के लिए इनके इस अमूल्य योगदान को दिल से नमन करते हुए, आदर सम्मान देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मायावती जी, थैंक यू। श्री वाई एस चौधरी। Thank you very much, Deputy Chairman sir. The honorable members of both the houses have spoken a lot about Bharat Ratna Ambedkar ji, about his contribution towards preparing the constitution, and which has helped this nation in a great way. I could not able to understand. Now this is the 125th birth anniversary, but last 50-55 years we never bothered to think of our architect of our constitution. However, since both the house many members have spoken a lot, I don't want to repeat much about talking about the Dr. Ambedkar ji. To the best of my knowledge goes, our founder of our party, Dr. N.T. Ramarao ji, in fact he has followed perfectly about Ambedkar ji's philosophy, mainly by dispensing with Patwari Patel systems and delegating the powers to the village level and upliftment of every weaker section of this country. Incidentally, in fact, during his chairmanship as National Front chairman, that was the period where Dr. Ambedkar's statue was unveiled in the parliament, sir. So whether it is a guide or Gita or Quran or Guru Granth, whatever it is, our country have children are becoming intolerant against parents and parents are becoming intolerant. Film producers are becoming intolerant towards the censorship. So I am sure this is going to be another passing cloud because of our constitution written by Dr. Ambedkar ji to our great nation. This history also will pass through. Sir, today
As a matter of fact, an average productive citizen is not interested anything else but to live happily. He is not interested who is eating what, who is practicing what religion. But unfortunately, that is being talked a lot, and except constitution doesn't permit to eat human beings, but unfortunately, because of all these issues, human being brains are being eaten. So that has to be stopped, sir. So in fact, I am not able to really forget. You are also a witness of the last year, the way AP reorganization bill was passed, sir. Constitution never allowed or provided to give a differential justice to different states. So all the, when we have done the Republic of India, all the states are expected to have the same justice, and the, both the houses, Parliament is the supreme, and Parliament is expected to give the justice to all the states of this country. One said, when Uttar Pradesh came after passing the positive resolution, assembly resolutions, the then government never bothered to think of that. When Andhra Pradesh Assembly passed a decent resolution, for the political reasons, the same Parliament House, both the houses have allowed. Sir, with the result, a lot of injustice also happened. This is going to be a permanent wound in the hearts of AP citizens, sir, Andhra Pradesh citizens. So at that point of time, they invoked the Article 3 of the Constitution, sir. That Article 3 was incorporated mainly to bring the Republic of India. Our great leader Sardar Vallabhbhai Patel ji, for bringing unity into the country, in order to bring princely states back into the Republic of India, Article 3 was incorporated and used. But whereas only for the political reasons it was used, and nobody said that it is not correct to divide a state, but Article 3 said very clearly it has to have this statement of purpose. But simply the if 272 members of these houses, if they can make this country bits and pieces the way they have done the state of Andhra Pradesh, nobody said the division is wrong, but the manner in which they have done, which is totally, in fact, I have no hesitation to say, it is definitely undemocratically that it was done, by closing the Lok Sabha doors, by switching off the TV channels, and also finally it was passed in the DIN. The certain, whatever they have allotted, whatever they have committed in the bill, and also the promises made on the floor of the house, it was a precedent, it was a condition precedent for passing the bill. The then government, the then just merely change of guard cannot alter the commitments. The promises made by the bill should become like a law. Whatever, whether it is special category status or whether it is a special package for industries, at the end of the day that bill was passed, subject to certain commitments, certain promises made by the then Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, mainly in order to see that Andhra Pradesh also gets proper support until they get level playing field with the neighboring states. So I'm really unable to understand, and we are not able to answer to every citizen of Andhra Pradesh, sir. So the same house merely, when the then government was passing for the purpose of the political gain, which they thought they would get the benefit, which finally it has not happened. So that has proven very clearly there was no respect for the member. They have only gave respect for the member, and simply hushed and bulldozed the bill, sir, which is the fundamentally against the parliamentary principles. The parliamentary principle always mentioned that the solution has to be arrived by way of debates and deliberations. But unfortunately, that has happened, sir. So only my request is that. No, please. So you are not it, is, it is. It is. Whether it is unsigned. Whether it is unsigned. It is. The law passed. Sir, sit down. Time has come, sir. Now time has come. Sit down.
It is not going on record. Sit down. When your turn comes, you can speak. Sit down, sit down. Sit down. It is not going on record. Anyway, this is unwarranted, sir. I am talking about the parliamentary procedure. You cannot interrupt. Sit down. You misused this house. It is not going on record. Anyway. You sit down, I am saying. Anyway, Are Baba, whether I am minister or not, I am talking about the constitution and the parliamentary procedure. So it is unwarranted. The honorable leader asked him to obey the chair. Ask him to obey the chair. The Congress is interrupting. Sit down. I never used the name of the Congress. No, you can't but do I this. Am now using the Congress government doing? Have misused. He's not yielding. Misused what the are provisions. You doing? No, whatever you reply it is, when your turn absolutely. Comes. There's no point you in talking when your this. Turn comes. Sit down. Sir. You sit down. No, this is not the way to behave. No, please. No, this discussion is going on smoothly. See, every member has a right to express his view. Those who want to rebut or reply, they do it when their chance comes. Don't interrupt like this. It's not good. No, humbly, sir. I will give you a chance. I am talking about the parliamentary procedures. He can do that. He is working as a member. The ministry is outside, not in the house. Are Baba. When you have power, you misuse. That's why you are facing problem now. Are Baithe. I told you to take your seat. Nothing what he says will go on record. What Rapalu said will not go on record. Okay. Yes. Okay, sir. Thank you. Sir, the way manner in which the illegal, undemocratic, unscientific, there is no question about that. But That is his view. You reply when your turn comes. Why do you interrupt now? Yes. That is his view only. Arey, sit down. Sir, when your turn comes, you can say sit down. That is only his view. Okay. Dr. Ambedkar also mentioned, if any time, if the constitution is... What happened? I am saying I never mentioned that is the respect you are giving. Mr. Chaudhary, you speak to the chair. Sir. Address the chair. Yes, don't sir. Look there. I never address the chair. Bring house into order, sir. My request is you ignore him. You ignore him and address the chair. What you say is on record. Sir. What he is saying is not going on record. But you don't it is worry. Disturbing me, sir. It is disturbing me. You address today I am talking on behalf of every citizen of Andhra Pradesh who are all hurt very badly because of both the houses, the manner in which they have passed the bill. And today again it is, we are facing the problem. It is now 18 months with the new government. Now because of the lacunas, the promises made by the then Prime Minister just by the change of God, the things cannot happen like this. The bill was... What Rapalu says will not go on record. Yes. Sir, the bill was passed as a conditions precedent on the promises of the then Honorable Prime Minister, which has to become like a law. Then only people will think there is a respect on the house, sir. So it definitely the time has come to think and retrospect ourselves about even respecting the private member bills. We make these private member bills as a ritual. That is not correct, sir. Whichever government, they should give a serious thought about this. Sir, irrespective of the change of God, all the promises made on the floor of the house, it has to be made as a law. We should not compare with the other states, sir. Today, if we say, that's what I have been telling that, Uttar Pradesh, when they came up with, after passing the assembly resolution for the purpose of divisions, the same both the houses, irrespective of the parties I am talking, never respected. When Andhra Pradesh have brought the bill with dissent
And just because of the political purpose, when they have pushed, they bulldozed, the same, both the houses have passed. So these kind of things we should not allow to repeat, sir. So whether it is every citizen of this country are looking at the sacred